दो पहलवान यहाँ पे हैं गाड़ी खाली करने के लिए, तो अभी खाली कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं पोचस, जो कि बिहार में पड़ता है, और अभी हम राजघाट के ऊपर आ चुके हैं। गाड़ी लोड करके देख सकते हो, पशु आहार है। और राजघाट का ऊपर का नज़ारा कुछ अलग है, इधर से जा रहे थे, सोचे आप सबको दिखाते हुए चले। तो ये देख सकते हो, इधर पूरा घाट वगैरह बन रहा है, नया घाट बन रहा है पूरा इधर, और उधर अपना काशी नगरी है। चलिए आप सबको दिखाते हैं ले जाकर। तो गाइस, इधर देख सकते हो, इधर में है, बहुत तेज हवा चल रहा होगा तो आप लोग को शायद अच्छे से सुना सुनाई दे। तो इधर है घाट पूरा, देख सकते हो, ये राजघाट के ऊपर हम खड़े हैं, और यहाँ से पूरा घाट शुरू होता है, जो कि 80 घाट तक का नज़ारा आप बोर्ड में जाकर देख सकते हो इधर से। और उस इधर का यार व्यू गजब आ रहा है भाई। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी गाड़ी पोषण चलाने वाला है। तुरंत हम गाड़ी से जैसे ही उतरे स्टेरिंग से, पोषण बैठ गया गाड़ी चलाने के लिए। वो बोले भाई तुम साइड में बैठकर वीडियो बनाना और गाड़ी हम चलाएंगे। तो पोषण गाड़ी चलाने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे ये पोषण है, और लुंगी मैन गाड़ी चलाएगा। तो चलिए अभी रास्ते में क्या क्या होता है पूरा सबको दिखाते रहेंगे। बाकी यार राजघाट पे जो कोई भी आया है बनारस के अंदर, कमेंट जरूर करना, और यार प्लीज सपोर्ट भी, बहुत आप लोग सपोर्ट करो, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। हे गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं तड़वा वीर बाबा मंदिर, मतलब हम लोग पहुंच चुके हैं पड़ाव, मतलब अभी उतर के आ चुके हैं, और यहाँ पे अभी माला चढ़ाएंगे बाबा के मंदिर में, उसके बाद फिर कंटिन्यू सफ़र करेंगे। मंदिर में चढ़ा दीजिए, मंदिर में। तो तड़वा वीर बाबा यहाँ पे घंटा देख सकते हो, कितना ज़्यादा घंटा बना हुआ है मंदिर में, आप सबको अभी दिखाएंगे, जैसे ही कार वाला आगे बढ़ाएगा तो आप सबको दिखाएंगे। तो गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा घंटा है मंदिर में, और यार आप सब इस रोड से कहीं भी गुजरो तो बाबा के यहाँ जरूर दर्शन करके जाना, क्योंकि बहुत बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, देख सकते हो। तो बता दें आप सबको, ये मुगलसराय रोड में पड़ता है, मतलब पड़ाव चौराहे से थोड़ा सा आगे, जो बनारस में रहता है उसको पता होगा, और जो बनारस से बाहर होगा उसको शायद नहीं पता होगा। हे गाइस, तो अभी पहुंच चुके हैं मुगलसराय, और आप सबको बता दें मुगलसराय ये पुराना नाम है, अभी हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद पहुंच चुके हैं, और इधर का मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था, बट अभी थोड़ा सा मार्केट से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, पुल के पास पहुँच चुके हैं। हे गाइस, तो पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे, और ये रोड जो है सीधा निकल जाता है गाइस वेस्ट बंगाल। और अगर वेस्ट बंगाल का वीडियो नहीं देखे हो अब तक, तो जाके मेरे चैनल पे विजिट करें यार, जाके देखो वेस्ट बंगाल का वीडियो, कम से कम 20 वीडियो वेस्ट बंगाल का, बंगाल का पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके कंटिन्यू वीडियो को देख सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो है। नारियल का पेड़ का वीडियो है, तो लीची का पेड़ बगान का है, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो है। तो बाकी हम लोग अब पहुँचते हैं कोचस। देखा इस, तो पहुंच चुके हैं मोहनिया टोल प्लाजा के पास, और आप सबको बता दे, देखते हैं आज टोल कटता है कि नहीं, क्योंकि फास्ट टैग में रिचार्ज भी है और उस दिन भी रिचार्ज था, तो देखते हैं। आज एक्सेप्ट कर लिया मेरा फास्ट टैग, और कभी कभी नहीं करता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, 10 मिनट 5 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। तो बता दें ये बिहार का चेक पोस्ट है, थोड़ा सा आगे मोहनिया चेक पोस्ट भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पे चेकिंग अगर होता है गाड़ी का, और क्योंकि मेरी गाड़ी में खरी लदा हुआ तो चेकिंग नहीं होगा, बट अगर बना हुआ होता तो कोल के लोग चेकिंग करते हैं। और बाकी बिहार का यहाँ पे बॉर्डर टैक्स लगता है, जैसे कि आप सबको पता है, हर वीडियो में दिखाते हैं कि बॉर्डर टैक्स कटवाना पड़ता है, हर महीने का लगता है बॉर्डर टैक्स, एक महीने का 1800 रुपये का बॉर्डर टैक्स कटता है गाइस। तो ये देख सकते हो बिहार राज्य में आपका स्वागत है, और इधर उस साइड में है चेक पोस्ट, और इधर से हम लोग निकलेंगे इस साइड से, क्योंकि हम लोगों का जो है कि बॉर्डर टैक्स यहाँ पर कटा हुआ है। तो इधर जाओगे तो चेक पोस्ट है, और इधर हम लोग को चेकिंग नहीं होगा क्योंकि खरी लदा हुआ गाड़ी में। हे गाइस, तो हम लोगों को जाने नहीं दिया गया उधर से, क्योंकि वो देखिए उस रोड से हम लोग जाते हैं हमेशा, बट अभी बोले हैं कि गाड़ी चेकिंग करवा के जाइए और चेक पोस्ट से ही जाइए। तो अभी हम लोग इधर से जाएंगे चेकिंग करवाने के बाद फिर निकलेंगे, और इधर से जाने का कोई दिक्कत नहीं है गाइस, थोड़ा सा ये दिक्कत होता है कि इधर का रोड सही नहीं है, ये जो रोड है सही नहीं है, थोड़ा सा गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है, और बाकी चेकिंग करने में कोई टेंशन नहीं है, चेकिंग करे और गाड़ी छोड़े कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि खरी लोड है, खरी में कोई, यहाँ मेन दारू चेकिंग होता है, दारू और गाड़ी बहुत उधर पकड़ा हुआ है। और ये बगल में चेक पोस्ट है, लाइन भी लगा हुआ देख सकते हो,
ऐसा ही चेक पोस्ट है इधर का, इधर से ले लो सबसे कोना, पीछे वाले से ले लो। इधर देख सकते पूरा ट्रक वगैरह लगा हुआ है, ये चेक पोस्ट है। चलिए आप लोग मिलते हैं चेक पोस्ट से, पहले बाहर निकल जाते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। हे गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे थे, जैसे चेक पोस्ट से निकले यार एक सोच सकते हो ट्रक वाला है, और इतना ज़्यादा इसका हाइट तो ज़्यादा नहीं है, बड़ी है। लोडिंग ऐसा किया कि पूरा ट्रक टेढ़ा हो चुका है, देख सकते हो पूरा ट्रक टेढ़ा हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त गाइड टेढ़ा हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग चल के मिलते हैं डायरेक्ट आपको कोचस, जहाँ पे सामान हम लोग को उतारना है, क्योंकि उनका बार बार फोन भी आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट कोचस में अब। हे गाइस, तो फाइनली पहुँच चुके हैं कोचस, और देख सकते हो गाड़ी खाली भी होने लगा है तुरंत। दो पहलवान यहाँ पे हैं गाड़ी खाली करने के लिए, तो अभी खाली कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यार आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा आता रहेगा, और कोशिश करेंगे इससे अच्छा वीडियो लेके आने का। तो चलिए मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। ऐसे ही छोटे भाई के चैनल को यार प्यार करो, ज़्यादा सपोर्ट करो। बाय बाय।